हेलो मेरे पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल जी के ऊपर और ये है इनकी कला यात्रा का वीडियो। उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। इससे पहले भी मैं लतिका कट और शैलेंद्र नाथ डे जी के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, उनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से ही है और प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल का भी संबंध उत्तर प्रदेश से ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और इसके बाद कुछ दिनों बाद में उनके ऊपर प्रश्नोत्तर का एक दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगी। भारत के प्रसिद्ध छापाकार प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल जी का जन्म हुआ 1 जुलाई 1941 अमरोहा उत्तर प्रदेश में और इनका परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार था और ऐसे प्रतिष्ठित परिवार अपनी संतानों को कला क्षेत्र में भेजने से डरते हैं क्योंकि वो कला को उस दृष्टि से नहीं देखते जो अब देखा जाता है। लेकिन बालक जय कृष्ण जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे कला के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई और उनका नाम देश के प्रतिष्ठित छापाकारों में अब गिना जाता है। उनका जो शिक्षा हुई वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से उन्होंने स्नातक किया 1962 में और प्रिंट मेकिंग डिप्लोमा उन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक से किया 1964 में। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली पॉलिटेक्निक से उन्होंने जो डिप्लोमा किया तो उनके कला गुरु थे सोमनाथ थोर जी। 1964 में जय कृष्ण अग्रवाल जी ने सोमनाथ थोर जी से कला की तकनीकें सीखी क्योंकि वो इस माध्यम में तभी से व्यस्त थे क्योंकि छापाकला एक अत्यंत तकनीकी मूलक काम है और अनेक कलाकार इसकी जटिलता में उलझ जाते हैं, लेकिन जय कृष्ण जी अग्रवाल ने उनको देखते हुए उस समय तकनीकी ज्ञान और छापाकला की सृजनात्मक संभावनाओं दोनों पर अपनी पकड़ को आसानी से महसूस किया और उनकी कृतियों में रंग देखने में स्पष्ट और एक अच्छे छापे की समस्त गुणवत्ता नज़र आती हैं। उनने आगे की जो अपनी पढ़ाई की वो की लिथोग्राफ तकनीक का अध्ययन उन्होंने किया एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से 1964 में। स्लेड स्कूल ऑफ लंदन गए, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है जो, वहाँ 1972-73 में उन्होंने आगे का अपना अध्ययन किया। प्रोफेसर अग्रवाल जी ने कभी भी अपने चित्रों को टाइटल नहीं दिया और उनका मुख्य माध्यम एचिंग ही रहा। शुरुआत में उन्होंने वॉश टेक्निक में भी काम किया था लेकिन उनकी रुचि छापाकला में बढ़ती गई और उन्होंने अपना मुख्य माध्यम छापाकला को ही बना लिया, वो एचिंग में ही काम करते हैं। अब उनकी स्कॉलरशिप को देखें तो मेरिट स्कॉलरशिप मिली उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से 1959-62 के बीच में। ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप मिली फॉर एडवांस स्टडीज इंग्लैंड की 1972-73 में। US गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें विजिट करने का मौका मिला अमेरिका 1977 में। सीनियर फेलोशिप मिली डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2005 और 2007 के लिए। प्रोफेसर अग्रवाल जी ने कला अध्यापक बने वो कुछ टाइम के लिए सैनिक स्कूल जामनगर में 62-63 के मध्यान्ह। फिर वो लेक्चरर बने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 1963 में। उसके बाद वहीं पर कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में ही वो प्रिंसिपल बने और डीन भी बने 1997 से 2001 के बीच, मतलब 1997 से 2001 के बीच वो डीन और प्रिंसिपल रहे। ललित कला अकादमी लखनऊ में ग्राफिक वर्कशॉप में एचिंग प्रेस की उन्होंने डिज़ाइन की और उसको स्थापित भी करवाया 1970 में। सैन डियागो कैलिफोर्निया USA यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें आमंत्रण मिला 1977 में। सियोल जो साउथ कोरिया का शहर है वहाँ उन्हें आमंत्रित किया गया समकालीन कला पर व्याख्यान देने के लिए 2006 में। अचीवर्स ऑफ प्रिंट मेकिंग ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर लखनऊ में स्थापित करवाया उन्होंने 2006 में और प्रसिद्ध कलाकार HL मेडजी पर एक रेस्ट्रोस्पेक्टिव शो उन्होंने क्यूरेट किया 2007 में। इसके साथ ही साथ उनके कुछ और अचीवमेंट देखें तो सेक्रेटरी बने वो फोटोग्राफिक सोसाइटी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के 1959 में। माननीय डायरेक्टर बने वो क्रिएटिव आर्ट सेंटर ललित कला अकेडमी लखनऊ के 75-83 के मध्यान। सदस्य बने जनरल काउंसिल एक्जीक्यूटिव बोर्ड पर, फाइनेंस कमेटी सदस्य बने,
ललित कला अकादमी लखनऊ के 1975-79 के बीच में। सदस्य बने जनरल काउंसिल ललित कला अकादमी नई दिल्ली के 75-79 में। अध्यक्ष एवं संस्थापक सदस्य रहे विजुअल आर्ट सोसाइटी लखनऊ के। इसके साथ ही साथ सदस्य बने जनरल काउंसिल स्टेट ललित कला अकादमी के 97 से 2001। सदस्य जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ ललित कला अकादमी नई दिल्ली 2003 से 2007। एडवाइज़र बने चिल्ड्रन म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लखनऊ के 2003 में। सदस्य बने पब्लिकेशन कमेटी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली के 2003 और 2007 में। एडवाइज़र ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर लखनऊ के 2003 और 2007 में। यहाँ पर मैंने कुछ मुख्य मुख्य चीज़ों को ही लिया है क्योंकि उनका जो ख्याति बहुत रही है, उन्होंने काफ़ी काम किया है और काफ़ी शोज़ और अचीवमेंट हैं उनके, तो पूरा सब चीज़ें एक वीडियो में समेटना मुश्किल है, काफ़ी लंबा हो सकता है वीडियो, तो मैंने इसको शॉर्ट करके थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। मेंबर प्रोग्राम बने कमेटी नॉर्थ सेंट्रल जोन जो है इलाहाबाद वहाँ पर। UGC नॉमिनी एडवाइजरी कमेटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स फाइन आर्ट एंड कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 2007 में। मेंबर सर्च कमेटी फॉर द चेयरमैन ललित कला अकादमी नई दिल्ली के 2008 में। मेंबर बने नेशनल अपेक्स कमेटी फॉर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली बेंगलुरु एंड मुंबई 2016 में। संस्थापक एवं आजीवन सदस्य प्रेजिडेंट UP कल्चर सर्किल बोर्ड के। अब उनके कुछ मुख्य प्रदर्शनियों और आर्ट कैंप में भागीदारी को देखा जाए तो ग्राफिक कैंप उन्होंने अटेंड किया MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में 1964 में। प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप नई दिल्ली 1970। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस फॉर आर्टिस्ट विज्ञान भवन ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1971। ग्राफिक कार्यशाला प्रिंट पोर्टफोलियो ऑफ इंडियन प्रिंट गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली 1977। ऑल इंडिया ग्राफिक गेम्स ललित कला केंद्र कोलकाता 1987। इंडो GDR आर्टिस्ट कैंप ये हुआ लखनऊ 1989। लिथोग्राफी वर्कशॉप वेस्ट से जोन जो है उदयपुर का वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर 1990। NCERT वर्कशॉप ऑन सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कॉलेज एंड आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ 1990 में। राष्ट्रीय ललित कला केंद्र लखनऊ 2001 और आर्ट शिविर उन्होंने अटेंड किए 2007, 2008, 2013, 2015 और 2018 में, ये उन्होंने किए अटेंड जयपुर में, ये आर्ट शिविर है, आर्ट शिविर उन्होंने अटेंड किए जयपुर में 2007, 2008, 2013, 2015, 2018 में। उसके साथ ही आर्ट कैंप उन्होंने अटेंड किया यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 2014 में। बिहार के शिल्प इस नाम से सेमिनार हुआ पटना में 2019 में, वो अटेंड किया। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर में 2012 में, उसे अटेंड किया। अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस हुई DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर में 2013 में। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल 2019 में। समकालीन चित्रकार आर्टिस्ट कैंप गोवा 2010 में। आर्ट मीट गोवा 2007 में। आर्ट मीट JNN यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद 2008 में। अब उनकी एकल प्रदर्शनियों पर नज़र डालें तो उन्होंने जो प्रथम शो किया था एकल अपना, वो किया था ग्राफिका ललित कला अकादमी लखनऊ में 1965 में, और ये फर्स्ट शो था वन मैन शो प्रिंटिंग का और ग्राफिका ललित कला अकादमी लखनऊ में 1965 में। गैलरी कोनिका कैमोल्ड न्यू दिल्ली में 1968 में। स्टेट ललित कला अकादमी लखनऊ 1958। गैलरी कोनिका कैमोल्ड मुंबई 1970। जवाहर कला केंद्र जयपुर 2011। आर्टिस्ट प्रूफ गैलरी ललितपुर नेपाल में है ये 2012। कला स्रोत गैलरी लखनऊ में है 2014 में है उन्होंने, ये सारे उनके सोलो शो हैं। इसके साथ ही 1973 में सेकेंड इंटरनेशनल प्रिंट बिनाले हुआ नॉर्वे में 1974 में। फिफ्थ अंतर्राष्ट्रीय बिनाले ग्राफिक पोलैंड में हुआ 1974 में। फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन हुई ग्राफिक ये फ्लोरेंस इटली में हुआ 1974 में। और पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राफिक आर्ट एग्जीबिशन हुई ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में 1974 में। इसके साथ ही 11वां अंतर्राष्ट्रीय बिनाले ग्राफिक का हुआ यूगोस्लाविया में 1975 में।
थर्ड बिनाले हुआ नई दिल्ली में वर्ल्ड आर्ट एग्जीबिशन जिसका नाम था 1975। टेंथ अंतर्राष्ट्रीय बिनाले जापान टोक्यो में हुआ 1977 में। फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय बिनाले भारत कला भवन भारत कला अकादमी नई दिल्ली में हुआ 1978 में। इंडियन ग्राफिक फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड यूएसए 1985-86 में। एशियन बिनाले बांग्लादेश में उसमें पार्टिसिपेट किया 1987 में। इनवाइटी आर्टिस्ट रहे भारत भवन इंटरनेशनल बिनाले प्रिंट के 2004 में। इसके साथ ही नेपाल आर्ट काउंसिल काठमांडू में उनका एक शो हुआ जिसमें उस शो का सारा काम उन्होंने दान कर दिया चैरिटी में, जो कि अंडर प्रिविलेज नेपाल की बालिकाओं के लिए हुआ। ये हुआ मई 2018 में। इसके साथ ही समकालीन कला महोत्सव सिंगापुर में उन्होंने भाग लिया 2006 में। समकालीन छापा ये कला 10वीं भारतीय कलाकारों पर प्रदर्शनी थी जिस ढाका में हुई बांग्लादेश में 2017 में, और इंडो नेपाल समकालीन कला प्रदर्शनी लखनऊ में 2019 में। इसके साथ ही अगर उनके सम्मानों पर हम देखें तो उनको सिल्वर मेडल मिला प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का ग्राफिक का आर्ट शिल्पी चक्र नई दिल्ली द्वारा 1965 में। एकेडमी अवार्ड मिला स्टेट ललित कला अकादमी लखनऊ का 1965 और 68 में दो बार। एकेडमी अवार्ड मिला स्टेट ललित कला अकादमी कोलकाता का 69 में। अवार्ड फॉर द यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन लखनऊ का मिला उन्हें 1970 में। ग्रुप एट जो था उसका अवार्ड मिला उन्हें ऑल इंडिया एग्जीबिशन ग्राफिक का 73 में और 74 में। और एकेडमी अवार्ड ललित कला अकादमी का मिला लखनऊ से 1974 में। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड उनका देखा जाए तो बिनाले ग्राफिक का मिला जो हुआ फ्लोरेंस इटली में 1974 में। इसके साथ ही ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली का सम्मान मिला उन्हें 75 में। एकेडमी अवार्ड मिला फाइन आर्ट कोलकाता का 1976 में। ललित कला अकादमी का नई दिल्ली सम्मान मिला उन्हें 1976 में। ग्रुप एट अवार्ड मिला उन्हें ऑल इंडिया ग्राफिक प्रदर्शनी का चंडीगढ़ से 1979 में। उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान मिला उन्हें 2015 में। तो ये थे प्रोफेसर अग्रवाल जी को मिले कुछ प्रमुख सम्मान। अब उनके कुछ उनको जो काम है और उनके संग्रह कहाँ कहाँ पर ये देखते हैं। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में, आर्ट म्यूजियम लंदन इंग्लैंड में है। उनके चित्र कई जगह पर देश विदेश में भारत में कई जगह पर हैं। उसमें से कुछ मुख्य नाम बता रही हूँ मैं आपको। पश्चिम बंगाल अकेडमी फाइन आर्ट्स कोलकाता में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, आंध्र प्रदेश ललित कला अकादमी हैदराबाद में, चिल्ड्रन म्यूजियम लखनऊ में, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में है, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट नई दिल्ली में, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, सैंडिगो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए में, बिरला अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता में, गवर्नमेंट म्यूजियम चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, और अकाउंट स्टेट यूनिवर्सिटी कंसान यूएसए। ये कुछ मुख्य नाम है जहाँ पर उनके छापा अभी संग्रहित हैं। तो ये था कुछ छोटे रूप में बताने की कोशिश की है प्रोफेसर अग्रवाल जी का परिचय मैंने। अब आइए उनके कुछ छापा पर नज़र डालते हैं, उनके छापों को देखते हैं। ये प्रोफेसर अग्रवाल जी के चित्र दिखाने के साथ साथ उनकी थोड़ी टेक्निक के बारे में बताना चाहूँगी कि उनकी जो टेक्निक है वो उत्कीर्ण प्रक्रिया का अनुसरण करती है, लेकिन सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन और एक्वा टिंट की बनावट की संभावनाओं को उत्कीर्ण की स्पष्टता के साथ मेल के साथ। और उन्होंने अपनी प्लेट एक्रिलिक के द्वारा बोर्ड पर बनाई है, और बोर्ड पर तरल जो एक्रिलिक कलर होता है उसको उड़ेल कर छुरी की सहायता से उसमें रेखाएँ उकेरी जाती हैं। इस प्रक्रिया में हाथ और आँखों का समन्वय बहुत ही आवश्यक है। कारीगरी का रहस्य संभावनाओं को डिज़ाइन में एक साथ उतार देने में निहित है। छुरी के द्वारा कुरेदी गई रेखाओं एक संवेदनशील संयोजन को जन्म देती हैं। इस प्रकार तैयार की गई प्लेट्स के जो काम होते हैं उससे वो छापा बनाते हैं। उनके प्रारंभिक छापा चित्रोपम से लेकर कठोर संयोजन तक हैं, जो धुंधली चित्रलिपि का अथवा अनोखे इंद्रिय जीवाश्म का आभास देती हैं। यह कृतियाँ जो हैं उनकी, उनमें वो टाइटल नहीं देते हैं, अमूर्त होती हैं। बुनावट से भरपूर और रंगों में दक्ष उनके काम हैं, और
लेकिन यह स्पष्ट दर्शाती है कि टोन, टेक्सचर और गति की भिन्नता के साथ साधारण उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये उनके बनाए हुए छापा हैं प्रिंट, जो देश विदेश में कई जगह पर संग्रहित हैं। उनकी जो मूल डिज़ाइन होती है वो रेखाओं को धातुओं की प्लेट पर अम्लांकन करने के पश्चात एक्वा टिंट की सहायता से टोनल भिन्नता पाते हुए संयोजन बनाते हैं। उन्होंने काले रंग को काफ़ी यूज़ किया है, आप टेक्सचर टोन देखिए। ये उनके काम देश विदेश के कई संग्रहालयों में, जैसे मैंने आपको नाम बताया था। ये जयकृष्ण अग्रवाल जी का फोटो है, गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ का, 1968 में ये वर्किंग है, यहाँ पर वर्किंग थे उस समय ग्राफिक वर्कशॉप में। ये उनका चित्र है 1972-73 का, जब उनको स्लेड स्कूल की वो पढ़ने गए थे, फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी लंदन का फोटो है उनका। ये उनका चित्र है 1977 का, यूएसए का, न्यूयॉर्क का जब गए थे वो एक विजिट के लिए, इंस्टीट्यूट एंड इंटरेक्ट विद द आर्टिस्ट इन यूएसए 1977। वर्तमान में जयकृष्ण अग्रवाल जी अलीगंज लखनऊ में रह रहे हैं और अपना काम में सृजनशील हैं। इसी वर्ष उन्होंने अपना 80वां जन्मदिन मनाया है और निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था परिचय भारतीय समकालीन छापाकार प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल जी का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गुड लक, जय हिंद।